गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है दशमी और आज हम जा रहे हैं रावण का दहन देखने के लिए। हम जा रहे हैं जहाँ पे रावण जी को जलाया जाता है दशहरे के दिन, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में। सो हम जा रहे हैं अभी नोएडा। हाँ, तो हम जा रहे हैं नोएडा और होपफुली देखते हैं कि हम देख पाते कि नहीं, क्योंकि बहुत लेट हो गए निकलते निकलते। और हाँ गाइस, मेरी तरफ से हैप्पी दशहरा। खाली खाली हो जाएगा। और गाइस, जैसे कि सामने आप देख पा रहे हो, बहुत ही भीड़ लगी हुई है। ये सब मेले का भीड़ है, जो कि आज मेला जिसमें रावण जी का दहन होने वाला है। ये सारे लोग चल चल के जा रहे हैं। देखिए इस साइड से भी भीड़, इस साइड से भी भीड़। कुछ भी नहीं था जो कल था। और हम आ गए हैं आसपास उस मेले की जगह में। गाइस, दिल्ली में दो तरीके के मतलब नवरात्र दिखाई दिए हमें, जैसे कि कई कई जगह में माता जी का पंडाल लगा था, तो उस हिसाब से आज दशहरे वाले दिन में माता जी का मूर्ति जो है विसर्जन कर देंगे। और दूसरी तरफ नॉर्दर्न स्टाइल का बात करें तो रावण जी का आज दहन करने वाले हैं, जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ तुरंत। और दोस्तों, लोकेशन पे पहुँचने के पहले पहले थोड़ा भूख लगी है, तो थोड़ा हल्का फुल्का सोचा पनीर पैटिस खाया जाए। सो गाइस, हम पहुँच गए हैं ये मेला वाला जगह, जो पहले ब्लॉक में जो कि है नवमी में मैंने शूट नहीं किया, अष्टमी में शूट किया करके दिखाई दिया। और ये देखो, लोग पूरा भरपूर है यहाँ पे। और ये है मेला वाला जगह। अब हम यहाँ से दूर से ही दर्शन कर लेंगे, बिकॉज रावण जी का जो पुतला है बहुत ही बड़ा बना हुआ है यहाँ पे। सो गाइस, बहुत भीड़ है और हमने सोच लिया कि गाड़ी के अंदर ही बैठ के इंतजार किया जाए, क्योंकि पता नहीं कब चलेगा, 5 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा। और सामने आप देख पा रहे हो 3-3 पुतला है, बीच वाला रावण जी का, और आजू बाजू एक तो है उनके बेटे मेघनाथ का और दूसरा है कुंभकर्ण। Oh,
सो गाइस, खत्म हो गया रावण जी का जलना और बहुत ही थक चुके हैं। पूरे 3 घंटे रुक के खड़े रह के, बाप रे बाप। लेकिन लास्ट में जो जब रावण जल रहे थे तो बहुत ही अच्छा रहा, पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिला। तो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और टिल देन टेक केयर गाइस एंड बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग।